हे गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से एक नए जंगल ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों, आज मैं जंगल फिर से आ गया हूं और आज मैं अकेले नहीं आया हूं, मेरे साथ में दो लड़कियां भी आई हुई है। और हमारे जंगल आने का मकसद आज यही था कि हम लोग हरी सब्जियां खोजने आए हैं जंगल के बीच में। अभी हम लोग एकदम जंगल के बीचों बीच में हैं, लगभग एक घंटा चल कर हम लोग आए हुए हैं जंगल के बीच में, जहाँ बरसात में नदी बहती है वहीं। अभी तो पानी नहीं है, अभी खेत है इधर पड़ा हुआ है और इधर बगल में देख सकते हैं आप, इधर थोड़ा सा पानी जमा हुआ है। और दोस्तों, रास्ते में हमें कुछ महिलाएं मिली थी, वो थोड़ा सा हिदायत दे कर गई है कि थोड़ा सा सतर्क रहिएगा क्योंकि अभी हाथियों का सीज़न है, वो आए हुए हैं, थोड़ा इधर उधर ध्यान दीजिएगा बोल के, अपने मन में मत रहिएगा, थोड़ा सा इधर उधर ध्यान भी दीजिएगा बोल के। तो कोई बात नहीं दोस्तों, हम लोग अकेले नहीं हैं, अभी और भी महिलाएँ आ गई हैं साग तोड़ने के लिए नीचे, और आज हम लोग दो प्रकार का साग तोड़ेंगे और उसे घर ले जाएंगे। और दोस्तों, एक बात बता दूँ, ये जंगली जानवरों का एरिया है। अभी भी मैं यहाँ पानी के पास में गया हुआ था तो देखा जंगली सूअर पानी पीने आया हुआ था, वहाँ कुछ निशान छोड़कर गया है, ताज़ा ताज़ा निशान है। तो डरने की कोई बात नहीं, हम लोग साथ में हैं, सामना कर लेंगे, बहुत लोग हैं, अकेले तो नहीं, अकेले रहने में कुछ दिक्कत होती है। और दोस्तों, मैं सोचा ही नहीं था कि आज वीडियो बनाऊँगा, लेकिन यहाँ जंगल में आके मुझे चिड़ियों की चहचहाट, तरह तरह के पक्षियों की चहचहाट सुनाई दी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और जंगल के बीच में मुझे नेचर की आवाज़ जो सुनाई देती है उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है, जिसके कारण मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके एक कमेंट से हमें बहुत इनकरेजमेंट मिलती है आगे बढ़ने की। और दोस्तों, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, अभी हम लोग कैसे साग तोड़ते हैं उसे दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ थोड़ा सा पानी जमा हुआ है अभी, और इधर देखिए इसी के बगल में ये है चिन्ह, जंगली सुअर जो आकर यहाँ पानी पी लिया, उसके बाद में कीचड़ में थोड़ा सा लेट कर उठ कर भाग गया। और इधर एकदम घनघोर जंगल है दोस्तों, इधर बीच में बरसात में नदियाँ बहती है, लेकिन अभी तो सूखा पड़ा हुआ है, खेत के जैसे पड़ा हुआ है, लेकिन ज़मीन अभी भी गीला है। इधर भी जंगल है, इधर भी जंगल है, मैं एकदम जंगल के बीचों बीच में हूँ। लड़कियाँ जो है ये साग तोड़ रही हैं, वो उधर हैं नीचे, तो चलिए उनके पास अभी ले चलता हूँ आप लोगों को भी, और दिखाता हूँ कि वो कैसे साग तोड़ रही है। यहाँ भी थोड़ा पानी जमा हुआ है लेकिन अभी सूखने पर है ये। और चिड़ियों की चहचहाट को तो पूछे ही मत, एकदम अकेलापन महसूस होने ही नहीं देती है यहाँ। ऐसे जंगल के बीच में आने के बाद में एकदम शांत जगह मिलता है तो दिल को एकदम सुकून मिलती है, एक अलग ही प्रकार की खुशी मिलती है। यहीं पर कुछ महिलाएं आई हुई थी साग तोड़ने के लिए, लेकिन अभी तो पता नहीं किधर चली गई, शायद नीचे गई होंगी जहां जो लड़कियां तोड़ रही हैं वहीं। तो चलिए चलते हैं आगे, नेचर का आप भी आनंद लीजिए। यही वो महिलाएं हैं जिन्हें मैंने ऊपर की साइड में देखा था साग तोड़ती, अभी नीचे आ गई है और कीचड़ में घुस कर एकदम साग तोड़ने लग गई है। टोटल 5 कोई है और इन्हें की जस्ट नीचे लड़कियाँ तोड़ रही है। इधर देखिए, दो जन कीचड़ में घुसकर साग तोड़ रही है। तभी मैं भी जा रहा हूँ कीचड़ के अंदर साग तोड़ने के लिए, देख सकते हैं आप कीचड़ है इधर। और काफी ठंडा पानी है इसमें, कितना तोड़े दिखाओ। रुको, इतना ही, क्या नाम है इसका? सुनसुनिया साग। इधर जमीन में देख सकते हैं आप, ये सब हरी हरी दिख रही है, सब सुनसुनिया साग है। और उधर एक तोड़ रही है देखिए दूर में, संता मैडम।
अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर, अभी घनघोर जंगल के बीच में, और ये दोनों मेरी अगुवाई कर रहे हैं। अभी मैं इनके पीछे पीछे चल रहा हूँ। गाइस यार, अभी जंगल से वापस आते टाइम में बड़ी ज़ोर से धूप पड़ रही थी और लगभग 1 घंटा का रास्ता था और काफ़ी पसीना पसीना हो गया था, इसलिए मैं रुक गया हूँ पेड़ के नीचे। लड़कियाँ तो चली गई है, कुछ ही दूरी पर घर है। और आज के इस ब्लॉग में कोई ख़ास चीज़ तो नहीं था, लेकिन जंगल और शांत वातावरण और चिड़ियों की चहचहाट ही मुझे अच्छी लगी, तो ऐसे ही मैं एक ब्लॉग बना दिया। एंड आई होप कि आपको भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो ओके गाइस, आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं और जल्दी मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइस।